नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और मंगलवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:19 तक रहेगी। आज पूरा दिन पार कर भोर 4:56 तक वज्र योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:32 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज स्नान दान व्रत आदि की चैत्री पूर्णिमा है। आज सुबह 8:39 पर मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 2 मई की सुबह 5:24 से लेकर रात 1:49 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 25 अप्रैल की देर रात 2:24 से अगली सुबह 5:29 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 24 अप्रैल की सुबह 5:47 से दोपहर पहले 11:05 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 अप्रैल की सुबह 5:46 से दोपहर पहले 11:01 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 अप्रैल की सुबह 5:46 से दोपहर पहले 11:01 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:22 से रात 8 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 24 अप्रैल की सुबह 6:17 से दोपहर पहले 11:35 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:56 से रात 8:49 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त 4:25 से रात 8:23 तक, और एक बार फिर रात 10:41 से देर रात 3:55 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 1 मई की सुबह 10:38 से शाम 5:32 तक, और एक बार फिर शाम 7:51 से रात 12:10 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 24 अप्रैल की सुबह 5:47 से दोपहर पहले 11:05 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 9:32 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:35 से शाम 5:13 तक, मुंबई दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:22 तक, चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:38 से शाम 5:16 तक, लखनऊ दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:56 तक, भोपाल दोपहर बाद 3:31 से शाम 5:07 तक, कोलकाता दोपहर 2:47 से शाम 4:23 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:50 से शाम 5:26 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है। राजकीय पक्ष में लोगों का सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। आज ऑफिस में दोस्त आपके प्रोजेक्ट से काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे। आज बेटे के आगे बढ़ने से आपको काफ़ी खुशी होगी। छात्रों के लिए दिन बढ़िया रहेगा, सबके साथ मिलकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। रोज की अपेक्षा आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती रहेगी। आपको निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है। आज आपके कुछ दोस्त आपसे मिलने घर आ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट में अपने सीनियर्स की मदद ले सकते हैं। आज अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहिए, इससे आपको मनचाहा लाभ होगा। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख सौहार्द बढ़ेगा। आज पारिवारिक खुशियों में बढ़ोतरी होगी। आज किसी खास कार्य की जानकारी किसी बड़े से लेंगे, इससे उन्हें गर्व महसूस होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन फिट रहेगा। आज धार्मिक कार्य की ओर आपका झुकाव होगा। फर्नीचर का कारोबार कर रहे लोगों को आज अधिक लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आमदनी के बढ़ते आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। आज आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, आप उनका भरपूर फायदा उठाएंगे। आज आपके रुके हुए कार्य किसी दोस्त की मदद से पूरे होंगे। कुल मिलाकर आज आपकी दिनचर्या बेहतरीन रहेगी। आज मन में कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी। घर में बड़ों की बातों को इम्पोर्टेंस दें, इससे उन्हें अच्छा लगेगा। आपके व्यापार में पहले से बेहतर परिवर्तन आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। प्रॉपर्टी डीलर्स को आज कोई बड़ी डील हाथ लगेगी, जिससे भविष्य में आपको अधिक लाभ होगा। आज घर का माहौल बदलने के लिए आप पार्टी कर सकते हैं, इससे घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। घुटने की समस्या से परेशान लोगों को आज राहत मिलेगी। परिवार की सुख सुविधाओं के लिए आप वाहन या कोई अन्य वस्तु खरीद सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। माता पिता आपका मनोबल बढ़ाएंगे, साथ ही आपके निर्णय में उनका भरपूर सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आज आपके सभी प्रयास सफल होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जल्दी ही सफलता मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, आपके मनोबल में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। भाई बहनों में आपसी मेलजोल बढ़ेगा। इस राशि के प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को कामयाबी तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। आज घर वाले किसी काम से
आपकी सलाह लेंगे। ऑफिस में आपको पॉजिटिव विचार रखने के चाहिए, इससे आपका काम आसानी से बनेगा। आज अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करने से बचना चाहिए। आपके मित्रों की संख्या में इजाफा यानी बढ़ोतरी संभव है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जिसके चलते आप सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। दोस्तों से अपने मन की बात कहेंगे, जिससे आपका मन हल्का होगा। बिना किसी अनुयायी की राय लिए आपको बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। आज ऑफिस में कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। जरूरत से ज़्यादा किसी से बात करना उचित नहीं होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आज आपको आराम मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज बड़ों का सम्मान करेंगे। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान लोगों को काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको सकारात्मक परिवर्तन दिखेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज अपने शरीर को थोड़ा आराम देना चाहिए। अनावश्यक सोच विचार करने से बचना चाहिए। आज भाई आपसे किसी जरूरी मसले पर आपकी राय लेंगे। ऑफिस में अपने विरोधियों के से सावधान रहिए। इस राशि के डिप्लोमा कर रहे छात्र अपनी पढ़ाई में मेहनत जारी रखें। लवमेट के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। छोटी छोटी बातों में आज आपको उलझने से बचना चाहिए। सरकारी विभाग से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही आपका पद भी बढ़ने की उम्मीद है। छात्रों को आज अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया कर सकते हैं। व्यापार में आपको अनुकूल परिवर्तन नजर आएंगे। अविवाहितों के लिए कोई अच्छा विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने वाला है। आय में वृद्धि के अनेकों मार्ग मिलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से और मजबूत बनेगी। आज किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, इससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज किसी जरूरी टॉपिक पर जीवनसाथी से बात कर सकते हैं। विद्यार्थी आज पुराने चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आज आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बुजुर्गों से आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप शारीरिक रूप से अपने आप को फिट महसूस करेंगे। बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को पूरा भी करेंगे। मूलांक 2, आज आप सामाजिक काम में हाथ बटाएंगे, लोगों के बीच आपकी तारीफ होगी। मूलांक 3, आप दोस्तों के साथ किसी पार्टी का प्लान बनाएंगे, शाम को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाएंगे। मूलांक 4, आज आप मन की बात मन में ही रखें, सभी से तालमेल बनाकर रहें। मूलांक 5, आज आपको मन मुताबिक जॉब का ऑफर मिल सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मूलांक 6, आज बिजनेस में बदलाव करने से आर्थिक लाभ मिलना तय है, किसी नए कारोबार की भी शुरुआत कर सकते हैं। मूलांक 7, आज आप अपना व्यवहार लचीला रखें, लचीले व्यवहार से सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। मूलांक 8, आज किसी जरूरी काम में जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। मूलांक 9, आज किसी काम के पूरा न होने से ऑफिस में देर तक रुकना पड़ सकता है, घर देर से पहुंचेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूर्व दिशा से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। पूर्व दिशा में सूर्य का निवास माना गया है, लंबी आयु का निवास माना गया है। सूर्य तत्व की ऊर्जा जीवन में ताजगी, आनंद और खुशियां लाने वाली होती है। इसलिए पूर्व दिशा में अगर किसी तरह की वास्तु संबंधी समस्या हो तो
तो इसका असर घर के सदस्यों के स्वभाव और आयु पर पड़ता है। तो घर की पूर्व दिशा को कैसे संतुलित करें, इसकी चर्चा कर लेते हैं। घर की पूर्व दिशा में भारी सामान नहीं रखना चाहिए, खासतौर से लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए, धातु का सामान नहीं रखना चाहिए, और हो सके तो सामान की गिनती ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इससे पूर्व दिशा में दबाव बढ़ता है। पूर्व दिशा में हमेशा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सूर्य का प्रकाश घर के अंदर हमेशा आता रहे, साथ ही इस दिशा में किसी भी प्रकार का कबाड़ न रखें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और पूर्व दिशा में कम से कम एक खिड़की जरूर होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा पूर्व दिशा से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में, उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और मंगलवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:19 तक रहेगी। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:46 तक वज्र योग रहेगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर। वज्र योग में वाहन, कपड़ा, सोना ये सब खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आज रात 10:32 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से चित्रा 14वां नक्षत्र है, इसके स्वामी मंगल हैं। चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला दो राशियां हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ टहनियों तथा पत्तियों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही बेल का फल या बेल के फल से बनी किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी इनकम में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वज्रयोग और चित्रा नक्षत्र की, और अब बात करेंगे स्नान दान व्रत आदि की चैत्री पूर्णिमा की। आज स्नान दान की पूर्णिमा है। आपको बता दूं कि चित्रा नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही चैत्र महीने की पूर्णिमा को चैत्री पूर्णिमा कहते हैं। आज के दिन पूर्णिमा का व्रत कर स्नान दान किया जाएगा। आज पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। आज के दिन स्नान के बाद परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है। साथ ही आज पूर्णिमा के दिन भगवान के निमित्त व्रत रखने का भी विधान है। तो ये थी चर्चा स्नान दान व्रत आदि की चैत्री पूर्णिमा की, और अब बात करते हैं मंगल के मीन राशि में गोचर की। आज सुबह 8:39 पर मंगल मीन राशि में प्रविष्ट होंगे और 1 जून की दोपहर बाद 3:37 तक मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल नवग्रहों में से एक हैं। मंगल ग्रह को संस्कृत में अंगारक कहा जाता है। इनकी प्रकृति तमस गुण वाली है, साथ ही ये युद्ध के देवता हैं और ब्रह्मचारी भी हैं। मंगल को भौम यानी भूमि का पुत्र कहा जाता है। मंगल ग्रह मंगलकर्ता, दुखहर्ता, ऋणहर्ता व कल्याणकारी हैं। ये ऊर्जावान कार्रवाई, आत्मविश्वास और अहंकार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अहंकार तो नहीं कहेंगे, स्वाभिमान। तो मंगल के मीन राशि में इस गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे, मंगल आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही मंगल की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, मंगल आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख मिलेगा। आपको शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ ये भी बता दूं कि किसी भी जन्म पत्रिका के पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर मंगल हो तो जातक मांगलिक कहलाता है। अतः मेष राशि वालों का ये गोचर 1 जून तक के लिए
अस्थायी रूप से मांगलिक दर्शाएगा। और अगर आप विवाहित हैं तो आपको खास ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें जा रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक है, अन्यथा सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा 1 जून तक मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए खाकी रंग की टोपी या पगड़ी से अपना सिर ढक कर रखें। वृष राशि वालों, मंगल आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आध्यात्मिक विचारों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, आप न्याय के प्रति अपनी आवाज़ उठाएंगे, आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। पशुपालन के काम से जुड़े लोगों और व्यापारी वर्ग को अधिक लाभ मिलेगा, लिहाजा इस दौरान अपनी चीज़ों में लाभ सुनिश्चित करने के लिए तिल के लड्डू या तिल मंदिर में दान करें। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में धन की बढ़ोतरी होगी, साथ ही इस दौरान आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। करियर में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही आपके पिता की भी उन्नति होगी। लिहाजा 1 जून तक मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए चूल्हे पर दूध उबालते समय ध्यान रखें कि दूध उबलकर बर्तन से बाहर न गिरे। कर्क राशि वालों, मंगल आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके भाग्योदय में थोड़ी रुकावटें आएंगी। इस दौरान भगवान के प्रति आपका ध्यान थोड़ा कम ही रहेगा। इस दौरान आपको हर तरह के सुख साधन पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। लिहाजा 1 जून तक मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए बड़े भाई या बड़े भाई जैसे लोगों का सम्मान करें। सिंह राशि वालों, मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको धन पाने के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें स्थान पर मंगल के गोचर से जातक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। यानी सिंह राशि वालों, आपके 8वें स्थान पर मंगल के इस गोचर से आप 1 जून तक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाएंगे। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें स्थान पर जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए। कन्या राशि वालों, मंगल आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके गणित विषय में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, साथ ही जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। यहाँ एक बार फिर से बता दूं कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें स्थान पर मंगल के गोचर से जातक अस्थायी रूप से मांगलिक कहलाता है। यानी कन्या राशि वालों, आपके 7वें स्थान पर मंगल के इस गोचर से आप 1 जून तक मांगलिक कहलाएंगे रहेंगे। और ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक, अन्यथा मंगल के गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपनी बुआ या बहन को लाल रंग के कपड़े गिफ्ट करें और उनका आशीर्वाद लें। तुला राशि वालों, मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। लिहाजा 1 जून तक अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए किसी कन्या को कुछ गिफ्ट करें और उसका आशीर्वाद लें। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि,
विवेक और रोमांच से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको मेहनत के बल पर विद्या का लाभ मिलेगा। संतान से आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपके करियर को एक बेहतर दिशा मिलेगी। आपको गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और पढ़ाई लिखाई में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका विवेक बना रहेगा। अतः 1 जून तक मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने पर पानी रखकर सोएं और अगले दिन उस पानी को किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। धनु राशि वालों, मंगल आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। मंगल के इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा, साथ ही माता से भी पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ आपको एक बात जरूर बता दूं कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बनाता है। अतः धनु राशि वालों, चौथे स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको 1 जून तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक का प्रभाव देगा। ऐसे में अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या आपके जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें जा रहा है। अगर जा रहा है देन इट्स ओके, वो भी मांगलिक हो गई, बात बराबर तो ठीक है। अन्यथा सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। तो 1 जून तक मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए दूध में थोड़ा सा मीठा डालकर बरगद के पेड़ की जड़ में डालें और दूध डालने से जो मिट्टी गीली हो उससे अपने माथे पर तिलक लगाएं। मकर राशि वालों, मंगल आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है। भाई बहनों से मदद पाने में भी थोड़ी देर हो सकती है। इस दौरान आप अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे से नहीं रख पाएंगे। आपके स्वास्थ्य में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लिहाजा 1 जून तक मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए एक चॉकलेटी रंग का कपड़ा लेकर किसी नाई, दर्जी या अपने भाई को गिफ्ट कर दें। कुंभ राशि वाले, मंगल आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होने के संकेत हैं। साथ ही आपके पास अन्न की कभी कमी नहीं होगी। बड़े भाइयों से आपका प्रेम भाव बना रहेगा, परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी अच्छा तालमेल रहेगा। लिहाजा 1 जून तक मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दीजिए, साथ ही भाइयों की भी हर संभव मदद कीजिए। मीन राशि वालों, मंगल आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा सुख से, मुख से, चेहरा, शरीर और चेहरे से। मंगल के इस गोचर से आपको भरपूर यश और सम्मान मिलेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर जातक को अस्थायी रूप से मांगलिक बना देता है। अतः आपके पहले स्थान पर मंगल का ये गोचर 1 जून तक के लिए आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक है, वरना सतर्क होकर आपको इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। उपाय तो वैसे भी करने चाहिए, लेकिन अगर मांगलिक दोष है तो जरूर करना चाहिए। मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर में मसूर की दाल से बनी कोई चीज़ दान करें या केवल मसूर की दाल ही दान कर दें। तो ये सारी चर्चा थी आज मंगल के मीन राशि में प्रवेश करने के बारे में। मंगल के मीन राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, मंगल उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं नैनीताल के बाबा नीम करौली मंदिर के दर्शन। ये मंदिर नैनीताल से
थोड़ी दूरी पर स्थापित है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण बाबा नीम करौली ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा नीम करौली ने एक साल तक इस स्थान पर तप किया था। एक बार जब बाबा राम नाम का जप कर रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ यहाँ आसपास के पेड़ पौधे भी राम राम जप कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे अंगुलियों में 9 शंख के निशान के बारे में। अगर आप जातक की उंगलियों में 9 शंख के निशान देखें तो उसका जीवन कैसा होगा। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। या डामाडोल, जिसकी उंगलियों में शंख के 9 निशान होते हैं, ऐसे लोगों के भाग्य में प्रशासनिक सेवा या राजनीति का योग बनता है। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। इन लोगों को केंद्र या राज्य सरकार के विभागों में काम करने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए ये लोग प्रशासनिक अधिकारी, सांसद, विधायक, मंत्री या फिर राज्यपाल के पद से सुशोभित होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में यह थी चर्चा उंगलियों में 9 शंख के निशान के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि में अमावस्या में संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार, श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:19 तक रहेगी। उसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर में मोर पंख रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।